ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर 10 हैलोजन डेरिवेटिव के बारे में जो हम हैं बात कर रहे हैं। इस हैलोजन डेरिवेटिव के अंदर आपने हैलोजन से रिलेटेड जो टॉपिक थे वो आपने कंसल्ट किए, जैसे कि नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, और इसके अंदर मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, ट्राईहैलाइड, टेट्राहैलाइड, मोनोहैलाइड में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इनके बारे में आपने अच्छे तरीके से बात की। उसके बाद आपने इनके प्रिपरेशन मेथड के बारे में भी आपने अच्छे तरीके से जो है इसको किस प्रकार जो है लैब के अंदर लैब मेथड से या अदर मेथड से इसको बनाया जाता है उसके बारे में आपने स्टडी की। उसके बाद आपने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आपने यूनिमोलर एंड बाईमोलर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे आपने SN1 एंड SN2 रिएक्शन बोला था, उसके बारे में आपने बढ़िया तरीके से यहाँ पर नॉलेज लिया, ठीक है। उसके बाद आज हम जो पहुँचे, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक के अकॉर्डिंग था, जिसका नाम था रेजोनेंस, उसको भी आपने अच्छे से कंसल्ट किया। तो स्टूडेंट, ध्यान देने वाली बात यह है, आज जो अपना टॉपिक है वो एक हैलोजन से जो रिलेटेड है, लेकिन स्टूडेंट ये एक इन्वायरमेंटल साइंस टॉपिक है। इन्वायरमेंटल साइंस टॉपिक, जैसे कि अपना जो है हमने आज तक इस टॉपिक को जहाँ भी पढ़ा है वहाँ पर इन्वायरमेंट का जिक्र ज़रूर हुआ, ठीक है। इन्वायरमेंट के बेस के अकॉर्डिंग ये टॉपिक है। नाम बताना चाहूँ स्टूडेंट मैं इस टॉपिक का आपको, इस टॉपिक का नाम है फ्रियोन, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम कहते हैं क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्या कहते हैं? क्लोरो फ्लोरो कार्बन। अपनी ओजोन जो लेयर है उसको नुकसान पहुंचाना, ज्यादातर हमने कहां पर पढ़ा है? फ्रिज के अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्लोरो फ्लोरो कार्बन होती है जो अपने एटमॉस्फेयर को नुकसान देती है। ग्लोबल वार्मिंग है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल गैस। तो ये चीज़ें जो हैं हमने इसके बारे में आज तक पढ़ी। ये फ्रियोन होता कितने टाइप का, इनके मॉलिक्यूल फॉर्मूला और इनके मॉलिक्यूल नेम, फ्रियोन एक नहीं होता, अलग अलग टाइप का होता, उस आधार पर हम बात करते हैं इसकी। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नोमन। आपके सिलेबस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का नोमनक्लेचर आपके सिलेबस में है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रियोन के बारे में। इस फ्रियोन को जो पढ़ना है वो हमें XYZ फॉर्मेशन में पढ़ना है। स्टूडेंट X रिप्रेजेंट करेगा फॉर्मूले के अंदर जितने भी कार्बन हैं उसके अंदर से -1 कर दो, Y रिप्रेजेंट करेगा फॉर्मूले में जितने भी हाइड्रोजन है उसमें +1 कर दो, और स्टूडेंट Z इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि फॉर्मूले के अंदर फ्लोरीन एटम कितने हैं, ठीक है। इस टाइप से हमें फ्रियोन का नोमनक्लेचर करना है। इस बात को मैं एक शॉर्ट टाइप के अंदर ऊपर लिख देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखें स्टूडेंट, यहां पर मैं लिख देता हूं X इज रिप्रेजेंटेड कार्बन -1, Y इज रिप्रेजेंटेड हाइड्रोजन +1, एंड Z इज रिप्रेजेंटेड नंबर ऑफ फ्लोरीन। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहां पर अपने को एक टेबल बनानी है। इस टेबल के अंदर सबसे पहले तो आपको वैल्यू रखनी है X की, उसके बाद रखनी है Y की, उसके बाद रखनी है Z की, और उसके बाद जो है आपको नेम ऑफ फ्रियोन लिखना। नेम ऑफ फ्रियोन लिख दिया, ठीक है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं आपके बुक के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूले आपको दिए हैं, मैं एक बार उन फॉर्मूलेज को लिखता हूं। CFCl3, ध्यान दीजिए फ्रियोन का दूसरा नाम क्लोरो फ्लोरो कार्बन, यानी जहां पर आपको ये तीन चीजें दिख गई, कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन, ये तीनों चीजें आपको दिख गई, इसका मतलब उसका नाम फ्रियोन है। लेकिन कौन सा फ्रियोन है ये हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला तो बुक ने ये दिया, उसके बाद बुक कह रही है CF2Cl2, उसके बाद बुक है C2F Cl5,
ये तीन फॉर्मूले हैं, इनके नाम करने, इनका नाम किस हिसाब से लिखा जाए, ठीक है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मेरे को एक बात बताएं, यहाँ पर X, X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन माइनस वन, कितने कार्बन है स्टूडेंट, वन, वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। Y क्या है, हाइड्रोजन प्लस वन, तो हाइड्रोजन दिख नहीं रहे इसका मतलब जीरो है, जीरो प्लस वन वन। Z फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या है, वन, तो नाम हो गया इसका फ्रियोन, जीरो वन वन है ना, ये वन वन। दूसरी बात करें, सेकंड, इस मॉलिक्यूल फॉर्मूले में कार्बन कितने हैं, एक, वन माइनस वन क्या हो गया जीरो, हाइड्रोजन जीरो, जीरो प्लस वन वन। उसके बाद जेड फ्लोरीन है, फ्लोरीन कितने हैं, दो, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट फ्रियोन वन टू, ठीक है। उसके बाद बात करें सी टू एफ सी एल फाइव के, कार्बन कितने हैं, दो, टू माइनस वन वन, हाइड्रोजन कितने हैं, जीरो, जीरो प्लस वन वन, और फ्लोरीन कितने हैं, वन, ठीक है। तो इसका नाम हो गया फ्रियोन ट्रिपल वन, फ्रियोन 111 है ना, फ्रियोन वन वन वन, ठीक है। तो स्टूडेंट ये रही तीन फॉर्मूले, अब तीन फॉर्मूलों पर और चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, अब आके आपकी बुक में दिया है C2F2Cl4, C2F2Cl4, ठीक है। उसके बाद C2F3Cl3, उसके बाद है C2F4Cl2। ध्यान दीजिए, कार्बन कितने हैं, दो, टू माइनस वन हो गया वन, वाई क्या है, हाइड्रोजन प्लस वन, तो हाइड्रोजन जीरो प्लस वन वन, ठीक है। उसके बाद फ्लोरीन कितने हैं, दो, तो ये हो जाएगा फ्रियोन वन वन टू, ठीक है। अब बात आती है यहाँ, टू माइनस वन वन, हाइड्रोजन जीरो प्लस वन वन, ठीक है, फ्लोरीन थ्री है, तो फ्रियोन वन वन थ्री। उसके बाद सी टू एफ फोर सी एल टू है, ठीक है, कार्बन टू माइनस वन वन, हाइड्रोजन जीरो प्लस वन वन, और फ्लोरीन कितने हैं, फोर, तो ये हो गया फ्रियोन वन वन फोर। तो स्टूडेंट जितने भी फ्रियोन थे, फ्रियोन इलेवन ट्वेल्व, फ्रियोन वन वन वन, फ्रियोन वन वन टू, फ्रियोन वन वन थ्री एंड फ्रियोन वन वन फोर, जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ये फ्रियोन का जो टॉपिक है एज ए नॉमन क्लेचर कंप्लीट होता है, फ्रियोन का जो एटमॉस्फेयर पर पड़ने वाला इफेक्ट है वो आपको बुक से पढ़ना पड़ेगा, ये ज़्यादा समझाने की जरूरत मेरे को नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को जो है, इस वीडियो के अंदर जो टॉपिक था फ्रियोन, उसको कंप्लीट करता हूँ। अब आपके हेलोजन डेरिवेटिव का एक छोटा सा टॉपिक और, ठीक है, जिसका नाम है DDT। क्या नाम है, DDT। टॉपिक का नाम है DDT। स्टूडेंट पूरा नाम जानेंगे लेकिन विथ स्ट्रक्चर, पहले इसके बनाने के मेथड के बारे में बात करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता। स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि जब क्लोरोबेंजीन के टू एटम की रिएक्शन जब क्लोरल के साथ होती है, टू मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोबेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरेल, ठीक है, रिएक्ट विथ क्लोरेल, फॉर्मेशन ऑफ, देखें स्टूडेंट फॉर्मेशन करके देखते हैं इसका। दो एटम लीजिए क्लोरोबेंजीन के, दो एटम ले लिए क्लोरोबेंजीन के, ठीक है। क्लोरेल का फॉर्मूला होता है, क्लोरेल का फॉर्मूला होता है ये, ये फॉर्मूला इस टाइप से लिखा जाता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए, ये है क्लोरल, मैंने इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके इस टाइप से लिख दिया, ठीक है। स्टूडेंट थोड़े ध्यान देने वाली बात ये है कि
इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और रोटेशन करके इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दिया जाए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेंजीन के जितने भी बॉन्ड है सब पे हाइड्रोजन निकला होता है, सब पे हाइड्रोजन निकला होता है, इस टाइप से हाइड्रोजन निकला होता है सब पे, ठीक है स्टूडेंट। ये दो हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन क्या बना लेंगे, H2O, क्या बना लेंगे H2O, तो माइनस H2O हो जाएगा, H2O का मॉलिक्यूल यहाँ से डोनेट हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बन रहा है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड है वो कार्बन से कनेक्ट होंगे, कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है और हाइड्रोजन से आगे स्टूडेंट इसका नाम है, यहां पर इसका नाम लिख रहा हूं मैं, डाइक्लोरो, डाइफेनिल, दो क्लोरो इसलिए डाइक्लोरो, दो फेनिल डाइफेनिल, फिर ट्राइक्लोरो, तीन क्लोरो है इसलिए ट्राइक्लोरो, ठीक है, दो कार्बन है इसलिए एथेन। तो स्टूडेंट इसका नाम क्या हो गया, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन, ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। तो स्टूडेंट डीडीटी का पूरा नाम भी ये ही होता है। तो इसी के साथ डीडीटी वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है, डीडीटी वाला टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसी के साथ वीडियो का जो पार्ट नंबर 12 है इसको मैं कंप्लीट करता हूं, इन दो टॉपिक्स के साथ, फ्रियोन और डीडीटी। तो स्टूडेंट इन टॉपिक में अगर कोई दिक्कत रहती है, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम रहती है, तो आप कमेंट के थ्रू या एनी कॉन्टेक्ट मुझको पूछ सकते हो, आप कोई डाउट कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।